10.4 त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए कोण 60 डिग्री का है, बी कोण 30 डिग्री का, ए बी बराबर 5.8। तो हम यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। अब ए पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए ए को केंद्र बिंदु मानकर इस प्रकार से एक अर्धचाप खींचेंगे। अब इस प्रकार को हिलाना नहीं है, ये कटान बिंदु पी प्राप्त किया, इस पी से यहाँ पर एक बार हिलाना नहीं इस प्रकार को, यहाँ से जितना हमने चाप खींचा था उतना का उतना यहाँ से एक बार काटना है। इस प्रकार काटा और इससे गुजरते हुए एक रेखा खींची, ये हमारा 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। इसी प्रकार 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है बी पर, और इस 60 डिग्री का लंब समद्विभाजक करना है, इसका समद्विभाजक करना है। एक चाप यहाँ से काटेंगे, एक चाप यहाँ से काटेंगे और इससे गुजरते हुए रेखा खींचेंगे, तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाएगी। दूसरा सवाल है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, PQR 105 डिग्री दिया है और R कोण ये 40 डिग्री का दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 35 डिग्री P कोण का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे, 40 डिग्री को और 105 डिग्री को 45 डिग्री। तो 180 में से 145 डिग्री को घटाए तो 35 डिग्री P कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। अब PQ एक रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर, PQ एक रेखाखंड खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, चांदे की सहायता से 35 डिग्री कोण P पर बनाएंगे। इस प्रकार एक रेखा खींची और चांदे की सहायता से 105 डिग्री कोण यहाँ पे बनाएंगे, कटान बिंदु R प्राप्त होगा। इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना पूर्ण हुई।